तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक नया मॉडल लेके आया हूँ। इस मॉडल का नाम है बिफोर एंड आफ्टर, मतलब कि किसी भी अंक के पहले अंक कौन सा आता है और उसके बाद अंक कौन सा आता है। और इस मॉडल्स की एक खासियत और है कि इस मॉडल से हम ये भी बता सकते हैं कि दो अंकों के बीच में कौन सा अंक आता है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं, इसे चलाना शुरू करते हैं। जैसे हम बच्चे से पूछें ये कितना लिखा है, सिक्स लिखा है। सिक्स से पहले कौन सा आता है नंबर, देखिए फाइव आता है। अब हम उससे बच्चे से कहें सिक्स के बाद में नंबर बताइए कौन सा आता है, तो देखिए ये आएगा सेवन आएगा। अब हम इससे पूछें कि सिक्स किन दो अंकों के बीच में आता है, तो देखिए सिक्स आता है फाइव के और आता है सेवन के। इसी तरीके से यह वन लिखा हुआ है, वन से पहले अंक कौन सा आता है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से करके दिखाएंगे जीरो आता है। जीरो आता है वन से पहले। अब वन के बाद में कौन सा अंक आता है, तो देखिए वन के बाद में आता है टू आता है। इसी तरीके से हम बच्चे से पूछें ये अंक कितना लिखा है, टू लिखा है। टू से पहले अंक कौन सा आता है, वन आता है, और टू के बाद में अंक आता है थ्री। अब हम बच्चे से कहें कि टू किन दो अंकों के बीच में आता है, फिल इन द ब्लैंक करिए, तो देखिए टू आता है वन और थ्री के बीच में। इसी तरीके से हम ले लें, मान लिए हमने पूछा बच्चों से ये कितना अंक लिखा है, एट लिखा है। एट अंक से पहले कौन सा अंक आता है, सेवन आता है, देखिए। और एट के बाद कौन सा अंक आता है, नाइन आता है। अब हम बच्चे से पूछें कि एट किन दो अंकों के बीच में आता है, तो देखिए एट आता है सेवन के और नाइन के बीच में। इसी तरीके से हम और भी अंक ले सकते हैं, मान लिया हमने थर्टीन ले लिया। थर्टीन से पहले अंक कौन सा आता है, ट्वेल्व आता है, और थर्टीन के बाद अंक कौन सा आता है, फोर्टीन आता है। अब हम पूछें थर्टीन किन दो अंकों के बीच में आता है, तो देखिए ट्वेल्व के और फोर्टीन के। इस तरीके से हम बच्चों को बिफोर एंड आफ्टर एंड बिटवीन की कॉन्सेप्ट जो मैथमेटिक्स में होती है वो आसानी से समझा सकते हैं बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच।